सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्टोर्स 1 यूनिट ने दिल्ली के आली गांव इलाके से एक ऐसे शातिर स्नैचर और ऑटो लिफ्टर को दबोचा है जो दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग के साथ पिक पॉकेटिंग के लिए नाबालिग बच्चों का गैंग भी ऑपरेट करता था। आरोपी का भाई भी शातिर स्नैचर है जो कि डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस स्टाफ पर गोली चलाने के आरोप में जेल में बंद है। आरोपी का साला सरिता विहार थाने का बीसी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौतमपुरी फेज 2 बदरपुर निवासी 26 वर्षीय बाबू के रूप में हुई है। आरोपी से चोरी की 2 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश देयो ने बताया कि क्राइम ब्रांच की स्टोर्स 1 टीम को दिल्ली एनसीआर में एक्टिव स्नैचर पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। स्टोर्स 1 टीम ने अच्छा काम करते हुए दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले सेवरल क्रिमिनल्स को दबोचा है। क्राइम ब्रांच की स्टोर्स 1 टीम के तेज तर्रार इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी को दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग के कई मामलों में शामिल एक शातिर स्नैचर के बारे में एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी ने एसीपी स्टोर्स 1 संतोष कुमार के साथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की। एसीपी स्टोर्स 1 संतोष कुमार ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही शातिर स्नैचर को दबोचने के लिए राजेश देव डीसीपी क्राइम ब्रांच स्टोर्स 1 एंड एसआईयू ने संतोष कुमार एसीपी स्टोर्स 1 की सुपरविजन और इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में एसआई कृष्ण कुमार, एसआई उदयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल सूर्यदेव, घनश्याम, ओम प्रकाश और धीरज की एक टीम का गठन किया। टीम ने सस्पेक्ट स्नैचर को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाया। टीम ने टेक्निकल और मैनुअल तरीके से भी शातिर स्नैचर पर नजर रखनी शुरू कर दी। दिनांक 2 जनवरी 2022 को सीक्रेट इन्फॉर्मर ने टीम को इन्फॉर्मेशन दी कि सस्पेक्ट स्नैचर दोपहर के समय आली गांव के खेल मैदान में चोरी के वाहन के साथ आएगा। सीक्रेट इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन मिलते ही टीम ने दोपहर के समय आली गांव के खेल मैदान के पास अपना जाल बिछाया। दोपहर लगभग 3:45 पर सस्पेक्ट एक स्कूटी पर आता दिखाई दिया। टीम ने सस्पेक्ट को रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर सस्पेक्ट ने मौके से भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने दौड़कर सस्पेक्ट को दबोच लिया। सस्पेक्ट आरोपी की पहचान बदरपुर गौतमपुरी फेज 2 मकान नंबर B989 निवासी 26 वर्षीय बाबू पुत्र रामधानी के रूप में हुई। मौके से आरोपी जिस स्कूटी के साथ दबोचा गया था उस स्कूटी की जांच करने पर टीम को पता चला कि स्कूटी बदरपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी और आरोपी बाबू स्कूटी का इस्तेमाल स्नैचिंग के लिए कर रहा था। बरामद स्कूटी में आरोपी ने DL3CEN9821 नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी और पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने नंबर प्लेट से पिछले 2 नंबर 21 को थोड़ा मिटा दिया था। टीम ने जांच में पाया कि स्कूटी का असली नंबर DL3SCJ2299 है। आरोपी ने 23 मई 2020 को स्कूटी गौतमपुरी वाल्मीकि चौक से रात के समय चोरी की थी। बदरपुर थाने में स्कूटी चोरी की EFIR नंबर 0114070 धारा 379 के तहत मामला दर्ज है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गौतमपुरी में रहता हूँ और मेरी दुकान है वाल्मीकि चौक साई डेरी दुकान का नाम है मेरी। और मैंने रात को अपनी स्कूटी अपनी दुकान के बाहर लगाई थी जिससे मैं सुबह उठा सो के मेरी स्कूटी बाहर नहीं मिली तो मैंने इधर उधर ढूंढा नहीं मिली तो मैंने उसकी FIR लिखवा दी थाने में और ऑनलाइन। और उसके बाद फिर भी मेरी स्कूटी आज पूरे दो साल हो गए आज मेरी स्कूटी मिली मेरे को और मैं क्राइम ब्रांच स्टार 1 वालों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी स्कूटी ढूंढ दी। जांच में टीम को पता चला कि आरोपी बाबू एक्टिव क्रिमिनल है और दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी से चोरी की 2 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। आरोपी ने दिनांक 2 फरवरी 2022 को स्कूटी से अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर किशनगंज बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे पीड़ित गुलाम समदानी से उसका रेडमी मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गया था। आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ छतरपुर बस स्टॉप पर DTC बस से उतरते समय पीड़ित शेर अली के साथ धक्का मुक्की की और उसका सैमसंग फोन चोरी कर लिया था। आरोपी बाबू से दोनों फोन बरामद किए गए हैं। टीम ने आरोपी की निशानदेही पर आली गांव खेल मैदान में पार्क की गई चोरी की 1 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। जांच में पुलिस टीम को यह भी पता चला कि आरोपी का ब्रदर इन लॉ विदेश सिंह सरिता विहार थाने का BC है और आरोपी बाबू के चोरी के सामानों को ठिकाने लगाता था। आरोपी बाबू का भाई धर्मेंद्र भी शातिर स्नैचर और ऑटो लिफ्टर है। आरोपी के भाई ने दिनांक 10 मार्च 2021 को डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक वारदात को अंजाम देकर भागते समय कांस्टेबल नवीन पर फायरिंग कर बुरी तरह घायल कर दिया था।
हालांकि बाकी अन्य बीट स्टाफ ने धर्मेंद्र को दौड़कर दबोच लिया था। आरोपी के भाई धर्मेंद्र के खिलाफ दिनांक 10 मार्च 2021 को थाना डिफेंस कॉलोनी में FIR संख्या 0034 21 धारा 186 353/333 307/34 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और आरोपी का भाई धर्मेंद्र भी जेल में है। आरोपी की गिरफ्तारी से थाना बदरपुर, थाना नॉर्थ रोहिणी, थाना सागरपुर, थाना फतेहपुर बेरी और थाना किशनगढ़ साउथ में दर्ज स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग के 7 मामले सुलझ गए हैं। गिरफ्तार आरोपी बाबू की उम्र 26 साल है और इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। इसका भाई धर्मेंद्र और ब्रदर इन लॉ विदेश सिंह भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। आरोपी बाबू ने नाबालिगों का पिक पॉकेटिंग गैंग बना रखा है। नाबालिगों ने आरोपी बाबू के साथ मिलकर बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की जेब काटी और मोबाइल फोन छीने। आरोपी बाबू को CRPC की धारा 41.1 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।